है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह, टाइम हो रहा है 10:15 और अभी आँख खुल रही है और अभी आ रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं क्या क्या है आज। रात को यहाँ पे क्लब में इतना क्राउड था, देख सकते हो आप लोग। और इस टाइम पे बंदा क्या, बंदे की जात कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और एप्पल भी ले आई हूँ अपने लिए। और अच्छा था खाना, टेस्टी था खाना, बहुत अच्छा था। और सच में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है ये। और सबसे अच्छा जो इनको इनका मुझे पूल एरिया लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये देख लो आप, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें झूमर यहाँ पे। रात तो यहाँ पे गदर मचा रखा था, सच में कसम से इतना गदर मचाया हुआ था, हद से ज़्यादा गदर था। अब कोई नहीं है यहाँ पे। मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और कपड़े कोई नहीं है, गिल्ले हो गए हैं सारे कपड़े। तो जो लेके आए थे हम, मैं जो लेके आई थी तो वही है। देखना ना, देसी जुगाड़ कर रखा है, देसी का सिलसिला लगा रखे हैं। और बारिश हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, बट चलो मज़ा करेंगे हम तो बारिश में भी। बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से, अब देखते हैं कौन सी वाली साइड निकलते हैं, फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को। बाहर ही पहुंची और बारिश तेज झमाझम बारिश इतनी तेज हो गई है। और बस अभी हम जा रहे हैं चर्च देखने, ओल्ड गोवा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर से चर्च है, तो मेरा मन किया देखने का। फिर मैंने सोचा एक बार जाया जाता है, तो अभी चर्च जा रहे हैं हम तो। उसके बाद का प्लान नहीं पता, उसके बाद देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सडनली बारिश आ जा रही है, सडनली इतनी तेज और सडनली हो जा रही है। बहुत अच्छा यहाँ पे, ये सॉरी है यहाँ पे ये चर्च, बट ये क्लोज है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। मन तो था मेरा अंदर जाने का, लेकिन क्लोज है इस टाइम। आई थिंक टाइमिंग का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, बट क्लोज है।
सज्जना, ये है कैलनवुड बीच और बारिश करके बिल्कुल माहौल थोड़ा ठंडा है यहाँ पे, अदरवाइज बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बस अभी देखते हैं क्या बनता है, क्या खाते हैं। ये मैं बताता हूँ, ये किंग प्रॉन्स है, हाँ। ये टाइगर है, okay। ये जंबो है, ये प्रिंस क्रैब है, हाँ। ये किंग क्रैब है, हाँ। ये किंगफिशर है, किंगफिश है, ये रेड स्नैपर है, ये लॉबस्टर है, पॉम्पलेट भी है, पॉम्पलेट ही लेके आना।
हो रही है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा। और बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मैंने ड्रेस भी ली थी क्योंकि सारे कपड़े मेरे गिर गए और घर के लिए कोई भी ड्रेस नहीं थी, तो मैंने ड्रेस ले लिया है यहाँ पे। बस अभी चलते हैं रूम और इसके बाद मैं जाऊँगी क्लब। और ये देखो मैंने ये बनवा लिया है, अजीब अजीबो सी लग रही हूँ यहाँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये देखिए हेयर स्टाइल कितना सुंदर लग रहा है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और खाने का भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी कैरनपुर बीच में से बहुत कुछ क्रैप्स खाया मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में और अच्छा लगा मुझे। और खाया मैंने हाका नूडल्स पैक करवा के ले आई थी मैं, तो अभी बस वो खाऊंगी थोड़ी देर में तो क्या, अभी मन नहीं कर रहा। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्लब जा रहे हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, क्योंकि कल भी जब मैं यहाँ वाले क्लब में गई थी ना तो मुझे इतना मज़ा सा नहीं आया, मतलब आया ही नहीं मुझे मज़ा सा। मैं को मेरा मतलब एक होता है ना बंदे को क्लब जाके माहौल सा बन जाता है, मेरा वो बना ही नहीं माहौल वहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी तो क्या आ ही गई थी, मतलब 3:30 बज ही गए थे इतना टाइम तो। और आज कौन से क्लब जाना है ये नहीं पता, अपने अपने ये वाले क्लब नहीं जाना है आज। यहाँ पे 5-10 मिनट बैठेंगे उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से भी। यहाँ मानसून में अपना ही अलग मज़ा है सीरियसली। बट हाँ, बीचेस वगैरह में नहीं जाने दे रहे हैं वो सिक्योरिटी रीज़न से कि पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पानी, और अंदर नहीं जाने दे रहे पानी के। बस दूर दूर से फ़ोटोज़ लो बस। और आज मैंने कम रील्स बनाई हैं बीचेस में क्योंकि उस वाली बीच पे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि रेड अलर्ट है, पानी अंदर को खींच रहा है, सो प्लीज़ बाहर निकलो। तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई वहाँ पे ज़्यादा। और बस अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं सीधा क्लब में जाके। अभी निकल गए हैं क्लब के लिए और सबके रेनकोट इसमें भरे हुए हैं, सबके रेनकोट। तो बस अभी और बस निकलते हैं अभी, पहले ये अपने वाले क्लब में बैठेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट तक उधर देख के आएंगे क्या है आज माहौल, फिर उसके बाद निकलेंगे आपके। मैं आ गई हूँ अभी उस क्लब से, आप देख सकते हो पीछे वो सारा इनका होटल वालों का क्लब है। और ये ऊपर ये होटल है और इधर ये सारा, इधर भी होटल्स के रूम है, तो ये इनका ही क्लब है। और जब आप सिंक करके डालोगे ना तो उसमें आ जाएगी सारी डिटेल्स आपको। अगर किसी ने भी होटल बुक करवाना हो तो ये बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है, अंदर ही आपको यहाँ पर क्लब भी मिलेगा और उसमें मिल जाएंगे। रूम भी रिजनेबल प्राइस के हैं, कोई बड़े हाई फाई रेट्स के भी नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4-5 स्टार प्रॉपर्टी है, और ये भी नहीं कि मतलब अभी यूँ, अच्छी प्रॉपर्टी है। और साथ में बड़ी बात तो ये कि इनका ही कसिनो भी है बाहर वाली साइड, तो उन्होंने हमें वाउचर दिए हैं तो मैंने कसिनो में भी जाना है। सो गाइस, ये रहा LPK क्लब का रास्ता, और इतना सुनसान है ना कसम भगवान की, पानी पानी रास्ता भी ऐसे है जैसे अब मैं आ तो गए हैं तो ये सोच रहे हैं रात को वापस कैसे जाएंगे। माहौल देखेंगे थोड़ी देर यहाँ पे, उसके बाद खिसक लेंगे यहीं से भी। डेंजरस लुक लग रही है कसम भगवान की, कल अब कम होती हवेली ज़्यादा लग रही है मुझे तो। ये इन्होंने अजीबो गरीब ही बना रखा है, ये देखो मूर्तियाँ शूर्तियाँ लगा रखी, ओ मेरी दसी क्या है ये, बेचारी को कैसे सुलाया हुआ, कब से उठोए सवेर हो।
हेलो आंटी, नमस्ते। ओ भाई साहब, इसकी आंखें देख के तो ऐसे लग रहा जैसे देना। बज रहे हैं सुबह के 4:15 और अभी पहुंचे हम रूम में। बस अभी सोने की तैयारी हो रही है, बस अब बराबर से मैं चेंज करूंगी, चुपचाप सो जाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि इनका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना, वो सुबह 10 बजे तक है, क्योंकि रूम मैंने इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट करवाया था। और इधर मुझे अभी बहुत ज़्यादा और मैं लगी हूँ अभी सोने, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा, बाय 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 बाय। दूरों दूरों लड़ी तेरी चाल चंगी लग रही, अब गेड़ा छेड़ा मार जाए।